हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। तो सबसे पहली आज की खबर है वो है ACP और वेतन नियमितीकरण को लेकर कि जल्द ही अब शाला दर्पण से इन सब का काम जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। इस संबंध में जो शिक्षकों को हो विभाग के चक्कर या कार्यालय के चक्कर निकालने नहीं पड़ेंगे। तो ACP और वेतन नियमितीकरण के लिए अब शाला दर्पण से ऑनलाइन होगा आवेदन। शिक्षा विभाग में प्रोबेशन पूरा होने के बाद स्थायीकरण और ACP आवेदन का काम जल्द ही शाला दर्पण से शुरू हो जाएगा। स्थायीकरण के साथ वेतन नियमितीकरण और ACP नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत होता है। शिक्षक आवेदन भरकर संस्था प्रधान फिर CBO DO JD निदेशक को भेजना होता है। डाक पहुंचने और कार्यालय कार्य में समय लगने से दोनों वित्तीय लाभ के कार्य में देरी हो जाती है। शिक्षक स्कूल छोड़कर कार्यालय के भी चक्कर लगाते हैं। विभागीय स्तर पर प्रोबेशन पूरा होने व ACP DO होने की वजह से महीने से ही स्वीकृति आदेश जारी होने की कवायद हो रही है। शिक्षक स्कूल से ही शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब संस्था प्रधान द्वारा CBO को वहां से DO और फिर आगे निदेशक को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सभी स्तर पर जांचों की कमी होने पर वापस लौटाया या सही भी किया जा सकता है, स्वीकृत भी करना होगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मॉड्यूल अब तैयार है, जल्दी अभी टेस्ट मोड पर है और जल्दी शिक्षकों के लिए जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। सुधार के लिए बनी थी समिति। जनवरी में शाला दर्पण पर बकाया इसी को स्थायीकरण के लिए प्रावधान शुरू किया गया था, लेकिन उसमें सुधार के लिए अप्रैल में संयुक्त निदेशक कार्मिक नूतन बाला कपिला की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। समिति ने सुझाव शामिल कर अब नया मॉड्यूल तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री ने भी की थी घोषणा। पिछले साल दिसंबर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आवेदन ऑनलाइन करवाने को लेकर घोषणा की गई थी। नए मॉड्यूल पर टेस्टिंग का काम चल रहा है। फिलहाल अगले सप्ताह तक इसे शुरू कर दिया जाएगा, जैसा कि सौरभ स्वामी निदेशक ने कहा है। इस मॉड्यूल से शिक्षकों को सुविधा यह होगी कि वे इसी भी स्थायीकरण का काम जो है ऑनलाइन कर सकेंगे और इससे काम जल्द हो जाएगा। तो आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो शिक्षकों के लिए है। वो ये है कि शिक्षकों के बनेंगे लेवल 1 और लेवल 2 के परिचय पत्र। विभाग ने इसके लिए मांगी है डिटेल। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 के परिचय पत्र बनाने की तैयारी जल्द ही शुरू हो जाएगी। समस्त ब्लॉक मुख्य ब्लॉक जो बुक सॉरी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में काम कर रहे इन शिक्षकों की अलग अलग डिटेल मांगी गई है। शिक्षकों को अपनी पासपोर्ट साइज का फोटो, साथ में नाम, पति पति का नाम या पद, जन्मतिथि, स्कूल का नाम, UDIS कोड, खुद की ID संख्या, ब्लड ग्रुप, घर के पते, मोबाइल नंबर की जानकारी आदि देनी होगी। डिटेल भेजने की जिम्मेदारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी गई है। उन्हें कहा गया है कि अगर किसी शिक्षक का परिचय नहीं बन पाया है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी CBO की होगी। तो जल्द ही शिक्षकों के जो है परिचय पत्र बनने वाले हैं। आगे खबर है शिक्षकों के लिए, वो ये है कि आदेश की अवहेलना हो रही है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने भी जताया है विरोध। मुख्य सचिव के आदेश जारी होने के बाद भी लगातार शिक्षक कर रहे हैं गैर शैक्षणिक कार्य। मुख्य सचिव DV गुप्ता 3 दिन पहले जारी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने के आदेश के बावजूद भी अध्यापकों को राशन वितरण जैसे गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जा रहा है। वहीं भोपालगढ़ बिलाड़ा पीपाट ब्लॉक में शिक्षकों को राशन वितरण कार्य करवाने के आदेश जो है PO ने आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। तो ऐसे कई जगह भी ऐसे काम हो रहे हैं, अभी तक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगातार लगाया जा रहा है। ऐसे कई बार आदेश भी जारी हो चुके हैं कि शिक्षकों को है गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाए, लेकिन इसके बावजूद आदेशों की अवहेलना हो रही है। इसके साथ ही अगली खबर है वो ये है कि जुलाई और अगस्त में हो सकते हैं प्रदेश में पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयोग इसको लेकर सक्रिय है। तो अगली खबर है दोस्तों, प्रदेश में अनलॉक होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव 2020 की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। सरपंच और प्रधान के चुनाव जो है वो जुलाई में करवाए जाने की संभावना है। इसके लिए आयोग ने जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिया है। जिलों में चुनाव को लेकर जो है चहल पहल शुरू होने लगी है। पंचायत चुनाव को कोरोना संकट के कारण टाला गया था, जो ग्रामीण इलाकों में लोगों को इन चुनाव का बेसब्री से इंतजार है। बीकानेर जिले में अब तक 3 पंचायत समितियों के 129 ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं, शेष 238 ग्राम पंचायतों के चुनाव बाकी है। इसी तरह कई जिलों में एक पंचायत के चुनाव बाकी है। जिन पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं उनमें जैसे कि कोलैत वगैरह है या नोखा है, पांचू है, डूंगरगढ़ है, ये बीकानेर की पंचायत है। उसी तरह से कई हमारे जिलों के अंदर भी है ऐसे है जिनमें पंचायत चुनाव बाकी है। तो इनके पंचायतों को चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जो है वो सक्रिय हो चुका है। जुलाई के अंतिम तक या अगस्त में ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग जो है कोरोना काल से पहले पंचायत चुनाव के 3 चरण पूरे करवा चुका है। पंचायत चुनाव को अब यह चौथा और अंतिम चरण है। इस चरण में प्रदेश की शेष बची सभी जो पंचायतें हैं उनके चुनाव जुलाई महीने में करवाए जाने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस के संक्रमण चलते प्रदेश की करीब 500 अधिक ग्राम पंचायत को चुनाव स्थगित कर दिए थे। चौथे चरण में करीब 365 से अधिक पंचायत समिति और 33 जिला परिषद के चुनाव अब करवाए जाएंगे। तो चुनाव को लेकर के भी खबर है, जुलाई अगस्त में करवाए जा सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों, वो ये है कि मृत राशि जो कर्मचारी है राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात जो कनिष्ठ सहायकों की नियमिति के लिए कंप्यूटर टंकण परीक्षा होती है वो 27 जून व विशेष कंप्यूटर टंकण परीक्षा द्वितीय चरण 28 जून को प्रातः 9 बजे राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित की जाएगी। ये बीकानेर की खबर है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ने जो है 31 दिसंबर 2016 से पूर्व समस्त राजकीय विभागों में नियुक्त ऐसे मृत आश्रित
कनिष्ठ सहायक कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, वे विशेष टंकण परीक्षा द्वितीय चरण हेतु 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी 26 जून से अपने प्रवेश पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय की स्थापना जो शाखा है कमरा नंबर 13 से प्राप्त कर सकते हैं। टंकण परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित होगी, अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं का ही बोर्ड ला सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों, वो ये है कि गाइडलाइन के अनुसार मिलेगी स्कूलों को मंजूरी। निदेशालय ने जो नवीन गाइडलाइन जारी की है नए प्राथमिक स्कूल खोलने उच्च प्राथमिक स्कूल बनाने के लिए जो कर्मोन्नत करने के लिए उसको लेकर है बात कि कोरोना के चलते लॉकडाउन में शिक्षा विभाग में कई विभागीय कार्य लंबित थे, लेकिन अब अनलॉक वन में विभागीय कार्य में तेजी आई है। इसके लिए रोज नए आदेश जारी हो रहे। इसी बीच प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है, जिसमें सरकारी प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में कर्मोन्नत करना हो या नए प्राथमिक स्कूल खोलना हो, इसके प्रस्ताव मांगे गए हैं। इधर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के मुताबिक कई बार कार्यालय द्वारा स्कूल कर्मोन्नति के प्रस्ताव मंगवाए जाते हैं, लेकिन अधीनस्थ कार्यालय बिना अनुशंसा के अधूरे प्रस्ताव RTE नॉर्म्स पूरा नहीं करने वाले की स्थिति में भी प्रस्ताव भेज दिए जाते हैं, जिससे अनावश्यक प्रकरण जो है वो लंबित हो जाते हैं और निस्तारण में काफ़ी समय भी लग जाता है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ने राजकीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक कर्मोन्नत करने व नई प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी है, और इस गाइडलाइन के अनुसार अब नए प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे और जो प्राथमिक है उनको कर्मोन्नत किया जाएगा। निदेशालय से प्राप्त आदेश के अनुसार आवेदन अपूर्ण होने पर उनके संबंध में कार्रवाई नहीं होगी, यानी पूरी गाइडलाइन के अनुसार कार्य होगा। जैसे गाँव वगैरह की जो भी है डिटेल वगैरह है या जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र है सब लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगली खबर है दोस्तों शिक्षा विभाग से जुड़ी, वो है 15 जुलाई के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा राज्य में भी स्कूलों को खोलने का फैसला। स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र की तरफ राज्य में भी अब जल्दबाजी नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बुलाई गई एक बैठक में ज़्यादातर राज्यों ने स्कूलों को खोलने की योजना को अगले 2 महीने तक और स्थगित करने का सुझाव दिया है। 70% स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का बात भी बताई गई है, जिनमें से करीब 200 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिया कि स्कूलों को खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जाएगा। अनलॉक वन के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अनलॉक के अगले चरण की तैयारी की जाएगी, जिसकी फिलहाल 15 जुलाई के आसपास समीक्षा होगी। इसके बाद ही स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर को खोलने का निर्णय हो सकता है।